दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप कैसे फ्री में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी इजीली। आप कैसे रोज का 50 से 100 डॉलर इजीली कमा सकते हैं जस्ट चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। मेहनत आपको करनी होगी, दिल लगा के काम करना होगा, थोड़ी स्ट्रगल आपको स्टार्ट में करनी होगी, मगर ये वर्क लाजमी करेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की अर्निंग की वीडियोस मैं इस चैनल पे लगाता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी का नाम तो सबने सुना होगा कि वो कैसे काम करता है और वो आपके क्या क्या काम कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे उस पर रजिस्टर होना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो पे आए। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम कॉपी राइटिंग की सर्विस देंगे किसी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या कहीं पे क्लाइंट ढूंढ के उसको भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके जो हम कंटेंट बनाएंगे वो हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे चेक करेंगे कि वो एआई डिटेक्टेबल तो नहीं है। अगर वो एआई डिटेक्टेबल है तो उसको भी मैं चेंज करने का आपको तरीका बताऊंगा, ताकि वो 100% ह्यूमन राइटेबल कंटेंट शो हो, तो कभी भी एआई डिटेक्ट उसको नहीं कर पाएगा। तो कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी की वेबसाइट पर, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना उसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं यहां पे फाइवर। तो यहां पे मैंने fiverr.com की वेबसाइट ओपन कर ली है और यहां पे सबसे पहले हम सर्च करते हैं कॉपी राइटिंग। ठीक है, कॉपी राइटिंग मेरा रिसेंट सर्च में आ रहा है और यहां पे मैंने कॉपी राइटिंग लिखा तो यहां पे आपके पास डिफरेंट लोग आ गए जो ये सर्विसेज दे रहे हैं यहां पे। तो यहां पे मैं कुछ आर्टिकल ओपन करता हूं, तो यहां पे कुछ मैं गिग्स है जो ओपन करता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहां पे देखें ये सबसे पहले क्या सर्विस दे रही है, आई विल राइट SEO वेबसाइट कंटेंट एज योर कॉपी राइटर। ठीक है, और ये क्या करेंगी, शॉर्ट एंड स्नैपी, आई विल राइट 300 वर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। 300 वर्ड्स का सिर्फ कंटेंट लिख के देगी कितने में, यहाँ पे देख ले 40,000 रुपीस। और अगर स्टैंडर्ड में जाए तो 500 वर्ड्स कितने के, 67,000। प्रीमियम में कितने, 1,35,000, उसमें 1,000 वर्ड्स हो गए। और अगर सेकेंड पे हम जाएं, आई विल डिलीवर हाई कन्वर्जन कॉपी राइटिंग टू बूस्ट योर सेल्फ, 250 वर्ड्स हाईली कवरिंग कॉपी, the right fit and brief description। तो इसके कितने हैं, PKR 22,000 रुपीस। सेम उसी तरह आई विल डिलीवर दी ओनली कॉपी राइटिंग यू विल एवर नीड, कॉन्टेंट मी बिफोर ऑर्डरिंग। ठीक है, अब इनका देख लें, ये कितने ले रहा है, 10,000 रुपये, ये कितने ले रहे हैं, 30,000 रुपये। तो इस तरह आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जो उससे कम पैसे भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जब भी यहाँ पे अपनी गिग्स लगाएं, पहले तो आप सीखना होगा। ठीक है, सीखने के बाद जब भी आप यहाँ पे गिग्स लगाएं तो आपको सबसे लेस चार्जेस करने हैं, ताकि आपके पहले कस्टमर्स बने, आपके गिग्स ऊपर आए। तो इस तरह आपको करना होगा। आप इनिशियली अगर यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस करेंगे तो आपके पास क्लाइंट ही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कम पैसों में ज़्यादा कंटेंट लिख के देना है, मगर अच्छा कंटेंट लिख के देना है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी पे। ठीक है, चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने पहले ही बताया है, वरना आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसको देख ले। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आप क्या राइट करवाना चाह रहे हैं चैट जीपीटी से। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग विद SEO ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैंने SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे करते हैं इंटर। अब देखें चैट जीपीटी यहाँ पे उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, 500 वर्ड की यहाँ पे कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया और प्रॉपर नमूने से इसको ये लिख रहा है सारा। तो यहाँ पे देखें ये कंटेंट हमारा बन गया और उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये अंडरस्टैंडिंग एंड फंडामेंटल कितने वर्ड्स का है। तो उस तरह देखें ये 500 वर्ड्स का यहाँ पे कंटेंट रेडी हो गया। ठीक है, अब इसी कंटेंट से आप डिफरेंट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, FAQ सेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, राइट FAQ फ्रॉम प्रोवाइडेड कॉन्टेंट। देखें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के जो सवालात होते हैं यहाँ पे इसने काफ़ी सारे लिख के हमें दे दिए। तो ये देखें यहाँ पे ये भी एक काम हो गया। इस तरह मतलब जो कंटेंट उसने लिख के दिया है आप उसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ये कंटेंट लिख दिया, अब आप क्लाइंट को दे रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है zerojpt.com। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट पेस्ट करना है और ये आपको यहाँ पे चेक करके बताएगा कि आपका AI डिटेक्टेबल कंटेंट कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको करना है डिटेक्ट टेक्स्ट।
ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, 81% ये जो कंटेंट है वो यहाँ पे लग रहा है कि आपने एआई जीपीटी से बनाया है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। इससे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो सबसे पहले ये जो आपके पास कंटेंट है इसको कॉपी करके नोटपैड पे सेव कर लें। ये मैंने यहाँ पे नोटपैड पे लिख दिया। तो यहाँ पे ये कंटेंट लिखने के बाद आपको आना है स्टैंड आउट ऐसे पे, और यहाँ पे आप बिल्कुल आ जाएं, जैसे नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे देखें स्टडी टूल्स लिखा हुआ है, स्टडी टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। हम आएंगे यहाँ पे इस टूल पे, फ्रेजिंग पे, इसको करें एंटर। यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो एआई ने डिटेक्ट किया है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको वो कंटेंट लिखना है जो जीरो जीपीटी ने डिटेक्ट किया है। तो वापस आ जाते हैं जीरो जीपीटी पे। यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन पूरा को पूरा इसने क्या किया है कि वो एआई डिटेक्टेबल है। तो यहाँ पे आ जाए नोटपैड पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन को यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे कर दें रिफ्रेश। और उसने यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, थोड़ी वर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दी, वर्ड्स चेंज कर दिए, उसको कॉपी करके क्या करना है हमें यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सेकंड पे। अब क्या हुआ, कीवर्ड्स एंड रिसर्च पे भी इसने यही कहा है। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, मगर अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सिर्फ डिटेक्ट हुआ है सिर्फ वही चेंज हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ चैट जीपीटी पे और कीवर्ड रिसर्च को भी यहाँ पे करते हैं चेंज, कीवर्ड और रिसर्च को भी यहाँ पे करते हैं चेंज, वापस पे रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ वर्ड आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड और रिसर्च भी कर दिया चेंज। उसके बाद क्या आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग दी फंडामेंटल का फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, इसको भी हम करते हैं कॉपी, ठीक है, कॉपी जो कि अपडेट। और उसके बाद सेकंड, थर्ड, सेकंड में भी थोड़ा सा यहाँ से आर्म दिस नॉलेज, सेकंड भी यहाँ से ही करते हैं, पूरा नहीं करते, अगर आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, मगर इसको फिर पूरा रीड कर लीजिएगा क्लाइंट को देने से पहले, ठीक है। आर्म से यहाँ से मैंने क्या किया, सेकंड का यहाँ से ये भी हो गया अपडेट, थर्ड और कंक्लूजन ये पूरा का पूरा होगा। और यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड पे और कंक्लूजन, ठीक है, इसको कर लें यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अब क्या करते हैं, हम पूरा पूरा पैराग्राफ कॉपी करके जीरो जीपीटी पे दोबारा देते हैं और यहाँ पे अब चेक करते हैं क्या है। पहले हमारा 81% यहाँ पे आ रहा था कि वो एआई ने बनाया है, यार योर टेक्स्ट इज एआई जनरेटेड। अब यहाँ पे करते हैं डिटेक्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखें अब हम जो पेस्ट किया या क्या बोला है, योर टेक्स्ट इज ह्यूमन राइटिंग 0% एआई जीपीटी। हमारा पूरा पूरा जो यहाँ पे कॉन्टेंट बना है वो 100% रियल ह्यूमन राइट का हो गया। तो यहाँ पे कॉपी करके पूरा पूरा, ये हमारे पास ऑलरेडी कॉपी है, तो ये देखें हमारे पास पूरा पूरा पैराग्राफ जो लिख दिया वो 100% एक्यूरेट हो गया और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन गया है। तो यहाँ से देखें चैट जीपीटी ने कितना बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त काम कर दिया। और ये कुछ टूल है जो आपको यूज़ करने हैं, उसके बाद अपनी सर्विसेज फाइवर पे दे सकते हैं। इस तरह और बहुत सारे मेथड है जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं, वो भी लर्न करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।